जब भी हम मिठाई बनाते हैं और उसमें हमें चाशनी बनानी होती है, तो बहुत से व्यूवर्स ऐसे होते हैं जिनको चाशनी बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, कई बार समझ में भी नहीं आती है। तो आज मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से लड्डू की रेसिपी दिखाऊंगी जिसमें हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है, साथ में इसके अंदर हमें कोई मावा या फिर बहुत सारे दूध की ज़रूरत नहीं है। एकदम आसान तरीके से लड्डू बनते हैं। आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद भी आएगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर भी कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए फिर बनाते हैं इन्हें। तो ये जूसी और टेस्टी लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर 1/4 कप घी डालेंगे। तो जो घी की क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम भी कर देंगे तो भी चल जाएगा। अब इस घी के अंदर हम डाल देंगे 1 कप सूजी। तो सूजी आपके पास मोटी दाने वाली है या बिल्कुल फाइन दाने वाली, जैसी भी हो आप वो ले सकते हैं। मैंने बिल्कुल फाइन दानों वाली यूज़ की है। अभी सूजी को हम अच्छे से भूनेंगे जब तक कि जो सूजी है उसमें से बहुत अच्छी खुशबू ना आने लग जाए। इस बीच में इसको हमें कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि जो सूजी है उसका कलर भी चेंज ना और सूजी अंदर तक अच्छे से भून भी जाए। तो करीबन 3 से 4 मिनट इसे भूनने के बाद, जैसे आप देख रहे हैं, हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। साथ में ही पहले के मुकाबले जो सूजी है वो फूल भी गई है और यहाँ पर बहुत अच्छी इसमें से खुशबू भी आने लगी है। बस अब इसी स्टेज पे इसके अंदर हम डाल देंगे 1/2 कप सूखा नारियल। हमारे यहाँ इसको गोला बोलते हैं, तो मैंने गोला को कद्दूकस करके यूज़ किया है। आप इसकी जगह नारियल का बुरादा भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे सूखा नारियल या नारियल का बुरादा, दोनों ही चीज़ें इन लड्डुओं में बहुत बढ़िया टेस्ट देती हैं। अब साथ में मैंने यहाँ 3 टेबलस्पून डाल दिया काजू और बादाम। तो आप अपने मनपसंद कोई भी नट्स यहाँ पर जो है डाल सकते हैं, थोड़े से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। बस अब इन्हें हम सूजी के साथ में भून लेंगे। इन्हें अलग से हमें भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो करीबन 1 मिनट इन्हें मैंने अच्छे से सूजी के अंदर भून लिया। अभी स्टेज पे हम आंच को बंद कर देंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच हरी इलायची। तो हरी इलायची का पाउडर डालने से फ्रेंड्स आपको पता है कि जो मीठे का टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। साथ में ही 1/3 कप डालेंगे दूध की मलाई। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी में हम बिल्कुल भी मावा या फिर मिल्क पाउडर वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। तो जो ये मलाई है इसी से ही हमारे लड्डुओं में बिल्कुल मावा जैसा टेस्ट आएगा। अब इनको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स करने के बाद जो ये मिक्सचर है उसको हमें थोड़ा सा ठंडा करना है, क्योंकि जो आगे हम चीज़ डालेंगे वो हमें गरम गरम मिक्सचर में नहीं डालनी है। तो करीबन 60-70% तक जब ये मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून किशमिश। तो मैंने फ्रेंड्स किशमिश को भूना नहीं है। आप चाहें तो जब हमने नट्स डाले ना उस स्टेज पर किशमिश को डालकर जो है सूजी के अंदर भून सकते हैं। अब साथ में ही डाल देंगे इसमें देसी खांड। तो मैंने यहाँ 3/4 कप ली है। तो आप देसी खांड की जगह यहाँ पर चीनी या फिर मिश्री का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ 3/4 कप लिया है। वैसे तो बिल्कुल परफेक्ट मीठा है, फिर भी अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर 1-2 चम्मच और डाल सकते हैं। तो बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद जो ये मिश्रण है अभी बिल्कुल ठंडा है, तो इस स्टेज पे इसको हमें, मतलब इसके हमें लड्डू बनाने हैं, तो इसको बाइंडिंग देने के लिए हम यूज़ करेंगे 1/4 कप दूध। तो दूध बहुत ज़्यादा यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है। बस दूध का काम सिर्फ इतना है कि जो ये मिक्सचर है वो थोड़ा सा गीला हो जाए और हम आराम से इसके लड्डू बांध पाएँ। और दूसरा ये है कि हमने अभी तक कोई भी लिक्विड चीज़ इसके अंदर नहीं ऐड करी, अगर मलाई को छोड़ दें। इससे क्या होगा, जो ये दूध है ना वो सूजी के अंदर तक जाएगा, जिससे सूजी जो है बहुत अच्छे से फूल के थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, जिससे खाने में ये और ज़्यादा टेस्टी लगेगी। बस अब इस दूध को डालने के बाद फिर से इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से जो ये मिक्सचर गीला हो गया है, हम आराम से इसके जो लड्डू हैं बना पाएंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि लड्डू अच्छे से बन नहीं रहा है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा दूध या फिर मलाई या फिर घी, तीनों में से जो भी आपको ठीक लगे वो डाल सकते हैं। तो बस अब इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और पहले इस तरीके से इसको अच्छे से दबाएंगे और इसको हम लड्डू की शेप देंगे। तो देखिए बहुत ही प्यारा हमारा सूजी का ये लड्डू बनकर तैयार हो गया है। आपने देख लिया ना कितना आसान है इसको बनाना, है ना। तो चलिए अब इसी तरीके से जितना भी ये मिक्सचर है ना इसके हम लड्डू बना लेंगे। तो बस ये हमारे सूजी के लड्डू बिल्कुल तैयार है। और इनको बनाने के लिए हमने कोई भी मावा, मिल्क पाउडर या फिर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दूध यूज़ नहीं किया है। और आप देख ही रहे हैं कि जो लड्डू वो कितने ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल मुँह में जाते ही घुल जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप इन फेस्टिवल्स में इसको ज़रूर बनाइएगा। आई होप आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, इसको शेयर भी कर देना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में। और ऐसी ही अगर सिंपल रेसिपी आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।